कोई बात नहीं, यू आर द बिगिनर्स, देयर इज नो प्रॉब्लम मैडम, लेकिन आपको अपनी रेंज इन क्वेश्चंस के हिसाब से बनानी है जो मैंने पढ़ाया है आपको। देखो कुछ नहीं, बिकॉज यू आर नॉट इन ए प्रैक्टिस, दैट्स वाई अपन द प्रॉब्लम इज क्रिएटिंग टू यू। ये 2008 से पहले जब बोर्ड होता था, नाइन्थ के आपका टेंथ में बोर्ड होता था, और नाइन्थ के होम एग्जामिनेशन में क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल होते थे, तो ये बच्चा इन रेंज को समझ पाता था। और जो बच्चा कंपटीशन लेवल जनरेट करता है, उस बच्चे की नाइन से ये रेंज आ जाती है। अब आप देखिए, एक्स इज इक्वल टू रूट ए प्लस टू बी प्लस रूट के अंदर ए माइनस टू बी ओवर अपना रूट आपका ए प्लस बी माइनस रूट ए माइनस, प्रूफ है। ये आता नहीं आता अभी आपको पता लग जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल चौकी है, आपका सवाल में कहीं दिक्कत नहीं है। आई हैव रिटन दिस क्वेश्चन, अगर आप इसको ऐसे देखें, देखो आपका एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस रूट टू और रूट थ्री माइनस रूट, मतलब वेयर माई मीन इज टू से वेरी क्लियर, देखो रूट थ्री की जगह में रूट ए प्लस टू बी है आपका, देखो एंड इन प्लेस ऑफ रूट टू नाउ यू हैव ए माइनस टू। इसको ऐसे दिमाग के अंदर रखो, मस्ती में करिए सर, बोझ समझ करके कभी सवालों को पढ़ाई मत करिए। देखो ए बी कर लो या थ्री टू थ्री माइनस टू, बस अंतर क्या है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस, कि रूट थ्री आपको नाउ यू आर लुकिंग ए वेरी आपका नाउ प्योर शॉट देख रहे हैं, ये भी प्योर शॉट है बट इट इज इन ए बाइनोमल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आपका दिमाग के अंदर बिल्कुल चौकस रखिए। प्रैक्टिस करने पे आपको मिलेगा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस टू बी प्लस दिस ए माइनस टू बी इन द अनदर रूट ए प्लस टू बी ये सर्ड है एंड आपका ए माइनस टू बी। व्हेनेवर वी हैव सर्ड इन द डिनोमिनेटर, so our first priority is to remove that, and that can be only removed by multiplying or dividing, which is known as the alternate segment। तो देखो, हमारे पास we have no rights अपन have to change it, हमको सिर्फ ये करना है rationalizing the denominator। तो देखो, ये बिल्कुल अपन the first अपन हम positive binomial ऐसे लिखा, बस ये only we have to change a minus two, ये आपने rationalize कर दिया अपन हमने, बस only you are going to change the sign। क्लियर हो गया, माइनस का सेट हिस्सा है, बाकी प्लस अपनी जगह में माइनस अपनी जगह में। आप यहां पे देखो, आप करना इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में आपका क्या हो गया रूट ए प्लस रूट बी और इनटू देखो कायदे से ये रूट ए प्लस रूट बी इसे बढ़ा दो ये रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर और ये आपका नाम वही ना ये रूट हो गया रूट के अंदर ही रूट के अंदर है तो आप रूट के अंदर है आपका रूट ए का स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट ए इंटू रूट बी और प्लस रूट बी का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने ऐसे यूज कर। आप समझ रहे मेरी बात के लिए, और नीचे इन डिनोमिनेटर में आपका ए रूट ए माइनस बी इंटू देखो रूट ए प्लस बी इज बी है आपका इसे बढ़ा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपने ये यूज कर लिया। समझ रहे, ये पूरा एक क्वेश्चन ये रिकॉर्ड था ऐसे मैंने लिख दिया या रूट थ्री ऐसे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो देखो आपका एक्स इज इक्वल टू अपर रूट ए प्लस टू बी और देखो प्लस रूट ए माइनस टू बी का होल स्क्वायर ऐसे कर देंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी ए पूरा आपका a का होल स्क्वायर माइनस b b का मतलब जैसे आपने क्या यहां आपको पता होना चाहिए वेयर a से बड़ा पद a की जगह में आपका क्या है रूट ए प्लस टू बी
एंड बी की जगह मैं आपका क्या देखो रूट ए माइनस टू बी है, क्लियर फाइन। अब आप करो बिल्कुल घबराए नहीं, ऐसे रूट वाले आपको क्या करेंगे आपके दिमाग के अंदर बहुत टाइम है, अभी हम पढ़ थोड़ा रहे हैं, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिंपल सी बात। तो देखो अब आपका देखो इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में आपका देखो ए प्लस टू बी और माइ प्लस ए माइनस टू बी का होल स्क्वायर, ऐसे कर दो ए ए का स्क्वायर, ये देखो आपका और आपका देखो प्लस टू इंटू देखो ए इसी इन द सेम रूट यू कैन राइट आपका देखो ए माइनस टू बी आपका देखो टू ए बी हो गया आपका देखो एंड दिस इज बी का स्क्वायर, रूट से रूट स्क्वायर यानी कि ए प्लस टू बी को यू हैव टू राइट टू टू टाइम्स स्क्वायर है, ये आपका टू से वन बाई टू कैंसिल हो जाता है। आप इसको कैसे करते थे ए प्लस टू बी आपका, या तो आप ऐसे लिख दीजिएगा यू हैव टू राइट दिस आपका नाम ए प्लस टू बी टू टाइम्स, व्हेन यू आर राइटिंग टू टाइम्स देन मेकिंग अ पेयर सो नाउ दिस विल कम आउट आपका नाउ दिस, या तो ऐसे कर लीजिए या देखो ए प्लस टू बी, देखिए पेरेंट्स की भी समाज की भी आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है आपका देखो स्क्वायर रूट हमें समथिंग वी हैव टू डू द एक्स्ट्रा, ये देखो क्लियर हो गया सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये देखो ऐसे खुल करके ये देखिए आपका ए प्लस टू बी आ गया, देखिए श्योर ना प्लस टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रूट के अंदर देखिए ए का स्क्वायर और माइनस देखो टू बी का स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी देखिए आपका और प्लस ये देखो फिर ए बी का स्क्वायर तो बी का मतलब क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ऐसे या पेयर में लिख देंगे ए माइनस टू बी इंटू ए माइनस टू बी रूट के अंदर लिख देंगे तो आपका ए माइनस टू बी पेयर बन करके बाहर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो देखो अब ए प्लस टू बी और प्लस टू इंटू देखो आपका ए स्क्वायर और टू टू जा फोर आपका देखो बी स्क्वायर ये देखिए और प्लस ए माइनस टू प्लस का लाइक टर्म कैंसिल प्लस टू बी क्लियर ना, देखो अब वन ए एंड वन ए दिस इज टू ए और प्लस ए टू आफ्टर मेकिंग द स्क्वायर ऑफ लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर एट लास्ट माई आंसर इज कमिंग नाउ टू ए प्लस टू इंटू ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर आप खुद देखिए डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है देखो ये a प्लस टू बी रूट के अंदर है नाउ यू आर डूइंग द स्क्वायर नाउ देखो दिस ये फिर अगेन a माइनस टू बी का होल स्क्वायर क्योंकि आपने क्या किया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट के अंदर है इसलिए मैंने रूट के अंदर दिखाया आपको और नाउ ये इससे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आ गया समझ में आपके सामने पूरी प्रोसेसिंग है ए प्लस टू बी देखिए आपका माइनस माइनस ब्रैकेट है इसको आपका ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट एंड राइट नाउ यू विल हैव टू ओपन द ब्रैकेट ए प्लस टू बी माइनस और माइनस माइनस का प्लस ये खलास लाइक टर्म कैंसिल तो नाउ टू बी एंड टू बी स्क्वायर क्लियर। तो इन दोनों को आफ्टर सॉल्विंग दिस आपका बाय रिमूविंग दिस स्क्वायर रूट नाउ अब आपका देखो x ये प्रोसीड फॉरवर्ड में नहीं आ गया देखो टू मैथ की सबसे बड़ी यू हैव टू मेक द टर्म्स स्मॉलेस्ट तो देखो टू टू मैंने दोनों में कॉमन ले लिया अब देखो आपका था a प्लस दिस टू इज ऑलरेडी आउट दिस टू ये बाहर a देखो ब्रैकेट के अंदर देखो a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर और ओवर देखो ये 4b इससे ये 2 2 जा हो गया ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका कैंसिल हो गया। तो देखो अब ये क्या हो गया now the final position you are looking after the a plus root a square minus the 4b square over now this is a 2b idhar ab ye upar gaya to dekho apna 2bx is equal to a or plus dekho a square minus 4b square by cross multiplication upar ab hamari priority hai because we have to bring that ki bx square minus ax plus b humko lana hai we have to prove that वो लाना है मुझे आंसर। तो देखो अब मैं क्या करूंगा इसको देखो यहां लाऊंगा
how we can remove this square root from here? By squaring of both sides to the root. Squaring of both sides. So 2bx minus a का whole square is equal to the root. A square minus 4b square का भी whole square. Square से square root cancel हो जाएगा. तो फिर ये square root 1 by 2 में cancel हो. अब देखो सामने आपके बिल्कुल. अब आप करो. यहाँ आप a minus b का whole square use कर दीजिए. A minus b. A square minus 2ab and now देखो plus b square. Where? A की वैल्यू आपकी क्या है 2bx और B की वैल्यू आपकी क्या है A A माइनस ये पूरा दिस इज कंप्लीट A पढ़ेंगे आज A का स्क्वायर ये देखो माइनस 2 इनटू A A का मतलब देखो ये और इनटू B B का मतलब ये और प्लस A का स्क्वायर A माइनस B का स्क्वायर A का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले में A B प्लस और ये देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा अब ये आपका देखो A स्क्वायर माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया ना देख रहे आप इसका मतलब क्या होगा a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर को आप 2 टाइम्स लिखिए अगर मैं आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो मेरी हां में हां बिल्कुल मत मिलाइएगा इसका मतलब क्या हुआ देखो आपका इसका मतलब हुआ द मीनिंग इज कि नाउ प्लीज यू राइट a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस डिग्री एंड द डिग्री इज योर 2 यानी कि 2 बार लिखो 2 टाइम्स लिखो पेयर में बन गया द पेयर में से स्क्वायर रूट है रेडिकल साइन आपका रेडिकेंट आपका ये रेडिकेंट है रेडिकल साइन स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गई आपके पास तो इतनी एक्सक्यूशन आपका 2 2 जा 4 v स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 a b x और प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 4 b स्क्वायर अब आप क्या करेंगे बिल्कुल नाउ यू आर रीचिंग टू योर डेस्टिनेशन आपका 4b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ab x और प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 14 बोथ द टर्म हैड गॉन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड So plus a square will be, जब left में जाएगा, minus में, and minus उधर जाएगा plus में, equal to 0. All the terms are shifted on one hand, and that one hand is your left hand side. Like term cancel, plus a square minus. अब आपके देखो, 4b square, x square, minus 4abx, minus 4b square is equal to 4b common in all, 4b, 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 सब में common. 4b common 4b common आ गया अंदर 1b is already 1b बचा 4 देखो बाहर आ गया x square बचा 4 देखिए आपका बाहर आ गया b आपका बाहर आ गया तो देखो minus ax बचा देखो 4b बाहर आ गया only 1b तो देखो bx square minus ax minus b is equal to 0 upon 4b ये देखो by cross multiplication में चला गया इसके नीचे It is working as a coefficient. और ये भी आपका it will become zero. Zero हो जाएगा. अगर आपका आंसर ये नहीं आ रहा होगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा क्या है bx square ax plus b प्लस बी है चेक कर लो आप आ तो रहा है आ तो रहा है घबरा क्यों रहे ये जब इधर आएगा तो माइनस क्या जाएगा प्लस में जाएगा नहीं जाएगा तभी मैंने कहा आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में प्रूफ बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी ये जबरदस्ती मैंने क्या किया आपकी नजर है नहीं है बारीक नजरों से देखिएगा मजा आ जाएगा लेट्स डू इट ये आपकी रेंज है अगर आप ऐसे सवाल करेंगे ना तब आपका आईआईटीज वगैरह निकाल पाते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं है ये सवाल आपको कंपटीशन लेवल में आएगा मैथमेटिक्स का मतलब है आपकी फ्लोरिंग आपका कॉन्सेप्ट आपका लॉजिक आपका फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए प्लीज़